पटियागढ़ में माह नवंबर में होने वाली समस्या के लिए जो कि बिजली के बिलों के और रीडिंग चेक ना होने के कारण इस समस्या को हम लोगों ने उठाया। बटियागढ़ की जनसंख्या 2001 के मुताबिक 7703 है। 1268 बीपीएल धारियों में से मैं आरती बाई वाल्मीकि एक हूँ और मैं पिछले 2 सालों से बिजली के बिल की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, क्योंकि मेरा जो राशन कार्ड पे कनेक्शन है और वो डेढ़ बत्ती कनेक्शन है, जिसमें सरकार से भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं और कुछ नियम हैं बिजली के जो यहाँ नहीं चल रहे हैं, लागू नहीं हैं। हमारे लिए कनेक्शन दिए थे सरकार ने, वो 70 रुपये के कहकर मतलब जो कनेक्शन दिए थे गरीबी रेखा के अंतर्गत जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए शासन ने जो नियम बनाए थे उसका पालन नहीं किया। गरीब आदमियों के लिए बहुत परेशानी जा रही है। उसमें मीटर जो लगवाए गए हैं कि मीटर लगने के बाद में सही बिल मिलेंगे, मगर वो बिल कुछ नहीं मिल रहा है, ना रीडिंग लेते हैं ना कुछ करते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि समस्या का बदलाव हो, और समस्या का बदलाव हुआ है। जो मतलब रीडिंग होती है उसी प्रकार से बिल आ रही है। अभी आपका कितना बिल आया है? अभी हमारा मतलब पिछला हमको जमा करना था, उसके आधार से हमारा मतलब बिल आया है 1390 रुपये आए हैं। मतलब तो ये कितने महीने का आया आपका? 4 महीने का है हमारा। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, बताएंगे आप कुछ? ठीक है भाई, हमने संतुष्ट है, जितनी हमारी लाइट की खपत हो रही है उस प्रकार से बिल आया, मैं उससे संतुष्ट हूँ। लाइट की समस्या लेकर गए थे, पहले वो रीडिंग भी नहीं लेते थे और बिल भी एकदम भेजते थे बाबू लोग। फिर हम लोगों सब मिलके पूरी महिलाएं गए, फिर बाबू को बताए तो उन्होंने यही बोला कि ये कैमरा चालू नहीं करो, आप लोग की जो समस्या है हम देख रहे हैं। बड़े बाबू तो थे नहीं, दूसरे बाबू थे, उनने देखा और पूरे जिनने बिल भरा उनका बिल सुधार के भरे हैं और बोले कि इस महीने से अब सबकी रीडिंग होगी और बिल हिसाब से ही आएगा। तो जब से गए थे हम लोगों सबका बिल सुधार के आ रहा है। और रीडिंग चेक हुई थी उसी दिन आए थे करने, हमेशा आते। पहले रीडिंग नहीं होती, अब रीडिंग होने लगी है और बिल भी अच्छा होने लगा। हाँ, कितना आया बिल? 220। ये बदलाव जैन साहब जी के द्वारा हुआ है, जो वहाँ के बड़े बाबू हैं और वहाँ के अधिकारी जी हैं श्री आर के सहाय जी, जो उस दिन आए नहीं थे, पर वहाँ हम लोगों की समस्या पे बदलाव हुआ, समस्या का हल मिला हमें, हमारी लड़ाई सफल हुई। मैं आरती बाई वाल्मीकि, बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।